आशीष सिंह ने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किए और केक कट करके छोटे बच्चों के साथ मिलकर उनका 48वां जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में राजेश शर्मा, भरत सोलंकी, सुभाष पताड़े शामिल हुए। हमारी संवाददाता रिदम ठाकुर ने राजेश शर्मा से आने वाले चुनाव के बारे में की खास बातचीत। सर, राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है, जहाँ तक हम देख रहे हैं आपने एक समाज सेवा भी कर लिया है, तो क्या है जिसे राहुल गांधी जी के जन्मदिन के तौर पे किया है या कांग्रेस पार्टी का ये ही सामाजिक कार्य? नहीं, कांग्रेस पार्टी का सामाजिक कार्य तो ही है। आज मैं अभिनंदन करूंगा आशीष सिंह जिनके माध्यम से आयोजन हुआ, राहुल जी के जन्मदिन के निमित्त बहुत सारे सेवा कार्य पूरे देश की जनता मना रही है, उसके निमित्त आशीष सिंह, भरत सोलंकी, सुभाष पताड़े सब यूथ कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे मनाया। और हम सबकी खुशी की बात है कि सेवा उपयोगी लोगों का पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट है, केक काटे गए। और सबसे बड़ी उपलब्धि आज राहुल जी के जन्मदिन पर ये है कि वो आने वाले 2019 में भारत के प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन आज मोदी का कश्मीर में सरकार गिर गई है, मतलब ये तख्ता पलट शुरू हो गया है। तो ये जो देश की जनता ने राहुल जी के प्रति अपना आशीर्वाद और दुआ रखा है, वो शुरुआत हो गया है कि जो अत्याचारी है उसको तुरंत हटाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी जो है 2019 के लिए कितनी तैयार है? 2019 के लिए पूरे तौर पे तैयार है, पूरे तौर पे हिंदुस्तान के हर गांव तक, हर बूथ तक कांग्रेस पार्टी है और फिर से पुनः सक्रिय होने की पूरी तैयारी। पूरे देश का कोई कोना नहीं है जहाँ पे नहीं है। और अभी आगे जो तीन चुनाव हैं सामने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन चुनाव से और सफाया हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी अत्याचारी है, जो कमिटमेंट दिया था लोगों के लिए वो उसमें फेल गए। बेकारी नहीं दूर हुई, महंगाई अपरंपार, आज GST का कोई साफ निराकरण नहीं, कोई भी अत्याचार का रोक नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं, लॉ, हर तरह हर मोर्चे पे फेल है। एक मोर्चा बता जिसमें सक्सेस, लोग लाइन लगा के मर रहे हैं, किसान मर रहा है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, कश्मीर के अंदर लोग मर रहे हैं। कांग्रेस के समय में तो काफी चीजें ऐसी, इतना नहीं था, नहीं, महंगाई को कंट्रोल था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मनमोहन सिंह ने वो मतलब इकोनॉमिस्ट क्रूड ऑयल के इतनी भाव ऊंचाई होने के बावजूद देश के अंदर कंट्रोल किया, जो आवश्यक चीज थी वो लोगों तक पहुंचा, अस्पताल में दवा पहुंची। आज मोदी जी ने क्या किया, सारे अस्पताल के दवाएं बंद कर दिया, बोले दवा देने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया था, मनमोहन सिंह ने अगर आदिवासी क्षेत्र में भी अस्पताल रहा होगा तो वहाँ दवा लोगों को मिलती थी, राशन पे अनाज मिल रहा था। आज क्या हालत है जाके देखिए। लेकिन मिलावटी भी तो काफी ज्यादा थी कांग्रेस के समय। नहीं, ये बात अगर है तो उस समय का जायजा लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने सब करेक्ट करना चाहिए था, करेक्ट करने के बदले इनकरेक्ट हो गए। आशीष जी, आज आपने एक सामाजिक कार्य यहाँ पे किया है जिसमें कांग्रेस भी, आप कांग्रेस की तरफ से जुड़े भी हुए हैं और आज राहुल गांधी जी का भी जन्मदिन, तो आप क्या? जैसे कि हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज 48वां जन्मदिन है, सबसे पहले मैं हम सबकी तरफ से, आपकी तरफ से और मीडिया की तरफ से राहुल जी को बधाई देता हूँ कि उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं हम सब। 13 से जुड़ा हूँ NSY के माध्यम से, और जो आज राहुल जी का जो जन्मदिन है, 48वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे जिले में, हर तालुका में, कहीं अस्पताल में फ्रूट बांटे जा रहे हैं तो कहीं राशन बांटे जा रहे हैं आज उत्तर पश्चिम जिले में। आज वही माध्यम से आज हमारे उत्तर पश्चिम जिले के सचिव आशीष सिंह जी ने आज जो पुस्तक वितरण एवं जो व्हीलचेयर का जो वितरण किया है, ये एक निमित्त माध्यम है, ये राहुल जी के बर्थडे का, ये पूरे देश में बनाया जा रहा है कि हम, ऐसा नहीं है कि बर्थडे है इसलिए सामाजिक कार्य करते हैं, हम
कुछ भी हो, एक निमित्त हो, अभी बीच में राजीव गांधी स्वर्ग जयंती भी थी, उसे हम लोग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। एक निमित्त माध्यम है हमारे जो युवा लीडर है आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने हमें यही संदेश दिया है कि कुछ भी हो लोगों के समाज के बीच में पहुंचना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, वही माध्यम से लेके आज हम इस जनरेशन में काफ़ी युवा है और 2011 के बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ में 90% युवा लोग जुड़े हैं, मैं इसका कारण जानना चाहूँगा। इसलिए कि जो हमारे जो सिस्टम है राहुल गांधी ने जो इलेक्शन प्रोसेस जो बना है, आज आम आदमी भी, आज युवा जैसे आज मेरे जैसे जो साधारण आदमी है जो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आज मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूं, लेकिन इस जगह पर जो आया हूं वो राहुल गांधी की देन है, उनका इलेक्शन प्रोसेस है। अगर मेरे जैसे कहीं ऐसे लोग भी है जो जिला अध्यक्ष बनने के काबिलियत है लेकिन जो इलेक्शन में जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो अच्छा काम करता है, वही सिस्टम से आगे आएगा, राहुल गांधी का ये संदेश है। इसलिए काफ़ी युवाओं इस यूथ कांग्रेस में जुड़े। आपको मोदी जो प्रधानमंत्री बने उनके बाद ऐसा क्या चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी है, जो आप चाहते कांग्रेस पार्टी के साथ आप जुड़े? धर्मनिरपेक्षता, जो आज जहाँ भी देखो आप, जो जम्मू कश्मीर का आप मुद्दा ले, मतलब सही में जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो अब आया है ना, आप इसके पहले आप रेपिस्ट का ले लो, आप जो बलात्कार हुआ तो अभी भी हो रहे हैं अभी, लेकिन जो उनके प्रशासन में जो होना चाहिए आज तो फिर ललित मोदी जी की भाग गए, उनका जवाब मुझे क्यों उनको पकड़ के नहीं ला सकते क्या? नीरव मोदी क्यों भाग गए? क्या सरकार उनकी ये नहीं ला सकते क्या? वो भी बताइए कि आज उनकी कांग्रेस की सरकार तो क्यों, इसका जवाब तो दे। आज देश की इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ जा रही है? सर ने बताया पेट्रोल के दाम, हमारे समय में हम क्या नोटबंदी नहीं कर सकते थे? लेकिन मनमोहन सिंह ने सोचा कि नोटबंदी करने पर क्या देश का नुकसान होगा, ये एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर ही सोच सकते हैं। अनपढ़ की बात नहीं है लेकिन सोच झटके से जो डिसीजन लेना, ये भारत देश के लिए ऐसा नहीं होता सबको, तो ये सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है, नहीं कि रात को सोचा उन्होंने को सपना है और नोटबंदी कर दे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर राहुल गांधी जी की बजाय सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पे लड़े तो आपको क्या लगता है कितने हद तक जीतेंगे? नहीं नहीं, सोनिया जी तो हमारी गौरवशाली हैं, तो मतलब राष्ट्र की सर्वोच्च नेता है, लेकिन उनको तो दोनों बार मौका, उन्होंने खुद मनमोहन सिंह जी को हैंडओवर किया, वो तो उन्होंने बनाया, किंग मेकर तो सोनिया जी थी, उनके नाम पे हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश दिया था, तो अभी राहुल जी आ गए हैं तो उसमें कोई शंका ही नहीं कि सोनिया जी का ही आशीर्वाद है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। अगर आप देखें कि हम सोशल मीडिया पे फेसबुक पे हम देखें राहुल गांधी जी के पे बहुत सारे जोक्स आते हैं, देखें जोक्स करने वाले जोकर रहेंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब वो जोक करेंगे उनका अधिकार है, हर समाज के हर वर्ग को अपनी स्वतंत्रता है तो उसको नहीं, लेकिन लोगों का जो जनादेश है वो राहुल जी की तरफ दिख रहा है। लेकिन आप क्या मान सकते हैं वाली बात कि 15 सालों में जो जब कांग्रेस रही है उस टाइम पे जितना भ्रष्टाचार हुआ क्या उसके बाद भी जनता आप लोगों पे भरोसा कर सकती है? देखिए भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया उनको जेल में डाला सोनिया जी ने, ये भी नहीं आपको याद रखना चाहिए, ये भी लोग भूले नहीं है, और आज इतने भ्रष्टाचार इतने घोटाले हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ फॉरेन विजिट पे जो कॉमर्स की मीटिंग थी नीरव मोदी उसमें थे और फिर उसके बाद अचानक 3 दिन बाद वो गायब हो गए 40,000 करोड़ का घोटाला लेकर, तो आज एक आदमी भी जेल में गया, आज एक आदमी भी बताइए कि जेल में गया, ओपन घोटाला दिख रहा, लेकिन सोनिया जी ने सबको जेल में डाला जहां जा लगा, तो ये सामाजिक व्यवस्था है। तो सिंपल है, इस देश से भागना है तो सरनेम चेंज कर लो, मोदी कर लो, ऐसा लेके भाग जाओ, चाहे ललित मोदी हो चाहे नीरव मोदी हो। नहीं, मोदी का राज है कहाँ, पहले ये बताइए 90% कैसे, आज जम्मू कश्मीर से उड़ गए, आप पार्लियामेंट सीट का जायजा लीजिए, यूपी में 4 लोकसभा हुई, 4ों में हारे, जितने 12 लोकसभा हुई पूरे देश में 12 के 12 बीजेपी हारी है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी का है? ठीक है 2014 में उनको जनादेश मिला था, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब घटता हुआ जनादेश दिख रहा है, गुजरात में आज उनका 90 पे आ गए, 92 पे आ गए, कर्नाटक में सरकार नहीं बन पाई, तो कैसे आप कहते हैं कि उनका राज है? सुभाष जी आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जी का बर्थडे भी है, तो मतलब कितने हद तक आपको कांग्रेस पर विश्वास है? मुझे राहुल जी के ऊपर विश्वास है, हाथ के पंजे के ऊपर विश्वास है और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर विश्वास है, इसके लिए मैं कांग्रेस के संगठन में हूँ, सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा जो राहुल जी के पास है, जैसे मेरे भाई ने बताया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मैं एक छोटे परिवार से आता हूँ लेकिन
हमारे यहाँ पे देखा नहीं जाता कि मेरे पिताजी आमदार थे, खासदार थे, क्या मंत्री थे, लेकिन हर उस युवा को ताकत देने का काम राहुल जी ने किया जिसके पास शक्ति है, जो पार्टी में आके काम करना चाहता है, इसके लिए इलेक्शन प्रोसेस लाया। और आज वही इलेक्शन का प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से मैं गुजर कर वार्ड अध्यक्ष से लेके तालुका अध्यक्ष से लेके आज मुंबई का महामंत्री बना। मेरे पीछे कोई आमदार खासदार का हाथ नहीं था, और यही सबसे बड़ी उम्मीद की कारण है और किरण है जो हम राहुल जी को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये देश का युवा है और ये युवा हम सब युवाओं के लिए कुछ करेगा। आपने अगर कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी को सुना हो तो उन्होंने कहा है कि 2022 में सबके पास में घर होंगे। देखो, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पहले चुनाव में कहा था, काला धन आएगा, हर एक खाते में 15 लाख रुपए आएगा, वो कब तक आया? मैं आपको यहाँ तो पे करेक्ट करना चाहूँगी, अगर आ गया मतलब जितना जब आ गया तो उनका स्वागत है, जब यदि आया तो उनका स्वागत है, उनका हमेशा जो चीज़ें सपना दिखाना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, कस के बोलो, यही नरेंद्र मोदी जी का नारा है। ना 15 लाख आए, ना तुम्हारे खातों में कभी ये अच्छा। नहीं कहा था कि 15 लाख आ ही जाएंगे, उन्होंने बोला था, उन्होंने कई सारी क्लिप है, क्लिप आप अब निकाल के, उन्होंने कहा नहीं नहीं क्लिप है बहुत सारी, आप YouTube पे जाइए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, हर कोई बता देगा। और बाद में अमित शाह जी को ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि ये हमने चुनावी समय में दिया हुआ जुमला था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप मीडिया के जानकार हो, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हो, तो आप तो जानते हो कि नरेंद्र मोदी कैसा झूठ बोलते हैं और कैसा झूठ बोलते आए हैं। और ये देश की जनता भली भांति समझ गई है, जोर से जैसे IAS ऑफिसर की नियुक्ति, अभी ये नया मुद्दा है जो कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीका है। UPSC MPSC के एग्ज़ाम होने के बाद एक IAS ऑफिसर की नियुक्ति होती थी, लेकिन आज उन्होंने डायरेक्ट नियुक्ति देना शुरू कर दिया है, तो ये सारा खेल आज नहीं तो कल जनता की नज़र में आ रहा है। कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन का भविष्य जो है वो खतरे में, ऑफकोर्स खतरे में है।